Hello everyone, good morning. So it's 7:30 a.m. and we are going forward towards Blue City, that is Jodhpur. So keep your excitement high on cloud 9 and we'll meet you in Blue City. Good morning dosto, बज रहे भाई सुबह के साढ़े सात और हम निकल लिए भाई जोधपुर के लिए। पहले हमारा प्लान कुछ और था, पहले हम जाने वाले थे रणथंभौर। उधर मत देख, तो रणथंभौर भी से होते हुए फिर उज्जैन होते हुए सब सेम ही टाइम पड़ रहा था, पूरा प्लान वही हो रहा था, मतलब टाइमिंग भी किलोमीटर भी। फिर भाई हमने चेक किया कि चलो जैसलमेर अच्छी जगह घूमने के लिए, फिर हम लोग ने पूरा जैसलमेर का प्लान बना लिया। तो यहाँ से अभी हमारा पहला स्टॉप होने वाला जोधपुर। तो भाई दोस्तों जैसे कि हमने बताया निकल गए जोधपुर के लिए, तो अभी यहाँ से टोटल किलोमीटर दिखा रहा है जोधपुर हमको 335 किलोमीटर और दिखा रहा है 5 घंटे। तो अभी हमारा पहुंचने का टाइम है भाई 1 बजे का टाइम दिखा रहा है, तो चलो बस अभी निकल लिए। अभी देखो कितने बजे पहुंचते, अगर सही रहा ट्रैफिक वैफिक मिला तो बरबर टाइम ऑन टाइम पहुंच जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अभी सीधा हम लोग आपको जहाँ पर हम लोग फर्स्ट ब्रेक लेंगे अपना ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहाँ मिलेगा डायरेक्ट आप लोग। तो बने रहिए और हमारे ब्लॉग एंजॉय करते रहिए। तो जी आ गया हमारा फर्स्ट स्टॉप जयपुर से जोधपुर जाते हुए, पर यहाँ ट्रक वालों ने बहुत ही यार बेकार ड्राइव किया। फॉग भी बहुत ज्यादा है भाई, फॉग भी आज, मतलब हम कल इसी वजह से रोक देखते कितना है टोल थे, कितना है टोल पूछ तो लेता, पूछ इसको पूछना भैया टोल कितना टोल भैया। तो भाई दोस्तों देखो आज तो पूरा दिन ही मतलब धूप निकलने वाली नहीं लग रहा है, सुबह से पूरा फॉगी हुआ, एकदम चेंज हो रहा है पूरा क्लाइमेट, एकदम हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और भाई जो हमारा टोल कटा था उसमें पैसे बताए नहीं थे, हमारा फर्स्ट टोल था उसके कटे थे 80 रुपए, और अभी बस अभी 250 किलोमीटर और बचा रहा है और 3.5 घंटे दिखा रहा है, लेकिन टाइम हमारा वही है, बस 1 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है। हम चल रहे अपना 80-100 की स्पीड में एकदम स्लो स्लो आराम से भाई, कोई घाई गड़बड़ नहीं हमको, क्योंकि फॉग भी है, तो इसलिए अभी बस थोड़ी देर में पहला ब्रेक लेंगे इधर अच्छे से ढाबे पे या होटल पे रुक के थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे। तो जब रह जाएगा तब हाँ, जब ही अभी फिलहाल बज रहे 9:30, तो देखो 1 घंटे में और 10-10:30 बजे के आसपास में कितना कवर होता है, फिर देखते हैं। दूसरा टोल आ गया है ये हमारा, कितना है चार्जेस इधर कुछ लिखा ही नहीं लोगों ने कहीं भी, मैसेज आएगा तो पता। तो दोस्तों मैसेज कटेगा फास्ट टैग में सर, तो भी बताएगा कितना, पहले वाले का 80 रुपए था, अभी इसका बताएगा थोड़ी देर में। तो जी हमने ब्रेक लिया है स्टारबक्स पे, हमें वीडियो भी अपलोड करना है आपके लिए, तो इसलिए हमने स्टारबक्स पे ब्रेक ले लिया। अच्छा है ये रास्ते में बर्गर किंग भी है, सब है इधर। तो भाई दोस्तों अच्छी जगह काफी, ये अपनी गाड़ी पीछे कार और ये रहा स्टारबक्स और उस तरफ बर्गर किंग स्केचर्स, ये देखिए, और सीसीडी भी भाई मतलब अच्छा है बनाया है, मतलब पहली बार जब से हम तो निकले कहाँ से दिल्ली से अपना वृंदावन मथुरा और अपना ये आगरा के लिए, तो वो जब आया था उस टाइम वो, और अभी उसके बाद जाके ये थोड़ा बीच में भी एक अच्छी जगह ही रुकने की जहाँ पर हम लोग खा पी सकते हैं, अच्छा मतलब कुछ है। तो भाई दोस्तों आ गया तीसरा टोल, तो यहाँ का चार्जेस है भाई 65 रुपीज। तो अभी देखो आगे और आने वाले टाइम में कितने टोल आते हैं, जो इतने भी आएगा आप लोगों को बताएगा भाई। मैंने पटियाला से चलते हुए 2000 रुपए डाला था फास्ट टैग, मेरे को तो नहीं लगता 2000 में हो पाएगा। तो अपन रूट चेंज करते हुए जा रहे हैं ना, 1100 था टोल में बचा हुआ। सबसे ज्यादा दिल्ली टू आगरा टू जयपुर पे लगे हैं ना।
भाई दोस्तों ये आ गया चौथा टोल। अभी इधर कितना है पैसा टोल का, 65 रुपीज दोस्तों। इधर भी तो पहले वाले में भी 65, इसमें भी 65, टोटल हो गए 4 टोल। बहुत राजस्थान के, राजस्थान के अंदर ही कुछ इतने टोल लगते हैं वो, सिर्फ राजस्थान के टोल महंगे हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो टोल बहुत आते हैं भाई यहाँ पर। तो आप लोग पहले अपने पास क्या बोलते हैं फास्ट टैग में पैसे डाल के रखो, नहीं तो फिर डबल पैसे देने पड़ जाएंगे, 50 का 100 50 का 100। फिर ऐसा करते लोग, चलो कोई नहीं भी चले जा रहे हम लोग। भैया इधर सीएनजी पंप भी है क्या आगे के रास्ते में? सीएनजी पंप 50 किलोमीटर सीएनजी पंप है, हाईवे पे मिल जाएगा। जब अपना खत्म होगा तब मिल जाएगा। तो भाई कट गया, अभी कितना था इधर मैं देखा नहीं, चलो मैसेज आएगा तो फिर बताएगा। तो भाई दोस्तों जयपुर से निकले थे, बस जोधपुर बचा कुछ 90 किलोमीटर, और जयपुर से लेकर पूरे जोधपुर तक बीच में एक भी पेट्रोल अपना सीएनजी पंप नहीं था, बस ये जाके मिला है बस 90 किलोमीटर। जब भी जोधपुर का आने वाला है तो उसके बीच में कहीं भी सीएनजी पंप नहीं भाई, वो भी मेरे को ये अचानक ही मैं आगे निकल गया था पूरा एकदम, फिर पूरा रिवर्स में लेके आया। तो सबसे अच्छा है ये कि सीएनजी पंप भी मिल गया, और यहाँ पर रेट सस्ता है, मतलब जयपुर में 93.5 था, यहाँ पर है कुछ 84.44। तो अभी देखो पूरा कितना कितना केजी आता है पूरा फुल कराते, और कितने रुपए बनते, जरा देखो जरा दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखो 84.44 है इधर यहाँ पर, पहले मीडियम पे पहले लो पे डलेगा, तो ऐसा कुछ है ये पूरा हाईवे, लेकिन कुछ भी बोलो एक नंबर हाईवे बनाया भाई। टोल बहुत है रास्ते में लेकिन हाईवे एक नंबर बने, ये देखो पूरे रोड अच्छे, और अभी जब से जोधपुर के लिए अंदर घुसे तो एक नंबर हाईवे, और ज़्यादा ट्रक भी नहीं है और गाड़ियाँ भी ज़्यादा, मतलब ट्रैफिक भी नहीं है, अच्छा है। बस 1.5 घंटा दिखा रहा है, पेट्रोल पंप भी अच्छा बना है, प्रेशर अच्छा है। तो भाई दोस्तों आज लगता है फर्स्ट टाइम इसमें अपना 10 केजी आ जाएगा लग रहा है। 9.7 तक चक दे फट्टे 10 हो जाओ यार, बस ओ थोड़ा रह गया, 9.8 आ गया, 9.8 चलो कोई नहीं, थोड़ा सा रह गया। और 9.8 में कितने रुपए बने? 8 तो 31 ग्राम का भाई। चलो सही आ गया, फिर भी पहले 200 250 किलोमीटर चल गई। हाँ 250 चल गया पूरा, अच्छा एवरेज दे दी गाड़ी हाईवे पे। तो भाई दोस्तों सही टाइम पे सीएनजी पंप मिल गया, मस्त फुल हो गया एकदम। तो हम लोग तो सोचते थे सीएनजी मिला नहीं पूरी, लगता इस बार भी पेट्रोल में चलेगी गाड़ी, लेकिन फाइनली सीएनजी मिल गया, मजा अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो अभी तो मस्त आराम से जोधपुर तक पहुंच जाएंगे हम लोग। तो चलो बस चलते सीधा जोधपुर में, मिलते हैं आप लोगों को। हाईवे दिखा देता हूं, देखो क्या मस्त रोड बनाया हुआ है यार। राजस्थान में कट गए, मेरे को लगता है फास्ट टैग भी खाली होने वाला होगा अभी। कोई भी होटल चलेगा भैया, खाना खाना है, वेज वेज नॉन वेज, वेज वेज। इस साइड में सारी होटल ही होटल है। अच्छा ऐसा कि सर्कल से राइट ले लो। हाँ सर्कल से सीधा सीधा, उस सीधा सीधा इसे आपके साइड ही देखना। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। तो भाई लोग हम फंस चुके हैं जोधपुर में, एक्चुअली सिटी से बहुत बाहर आ गए हैं क्योंकि हमारा प्लान बीच में चेंज हो गया। जोधपुर से हम जा रहे हैं डायरेक्ट जैसलमेर, पहले क्योंकि हमारा प्लान था रास्ते में अपना जोधपुर में रुकने का, फिर हमने देखा 4 घंटे दिखा रहा है और जोधपुर इतना कुछ खास लग नहीं रहा था घूमने के लिए,
जैसलमेर ही निकल जाते छह बजे तो अभी खाना खाने के लिए फंस गए हैं यहाँ। कोई बोलते होटल ही नहीं है खाना खाने को। वेज खाना खाना चाहते हैं एक्चुअली बटे के हमको जाना है जैसलमेर। वेज खाना खाना सर दाल चावल भी चल जाएगा। रोटी चावल खाने हैं भैया। एक्चुअली हम पहले जोधपुर रुकने वाले थे, हमने फिर प्लान चेंज कर दिया, चार घंटे दिखा रहे थे जैसलमेर। गुरु का ढाबा अच्छा हाँ सूट सरकारी भोजन हाँ जी हाँ जी। कहाँ पे कहाँ पे? ये सामने देखो। ओके 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 ओके। तो खुद ही नज गया अभी यहाँ पे कौन खाना खाता है भाई। ये देख रेस्टोरेंट एसी रूम बैंक्वेट हॉल। रुक जा ठीक लग रहा था उधर ही खाएगा। चल उधर ही खा लेते यार निकलते नहीं तो फिर आप भी जाएगी ना इधर दाल चावल जो भी मिलेगा खा लेगा पूरी। एक रेस्टोरेंट था देख चिरमी चिरमी करके क्या करना भी चल ठीक है इधर ही अभी मोड़ लिया और क्या सीधा सर्कल से क्या भी सीधा अपना लगेज बहुत भरा हुआ बोला चड्डियां सुखा रहे हैं अपन। तो भाई दोस्तों हम लोग जयपुर से निकले उदयपुर के लिए, फिर हमारा बीच में प्लान चेंज हुआ, फिर वहां से हम लोग सोचा जैसलमेर चले जाते हैं क्योंकि कम टाइम दिखा रहा था, शाम तक 6 बजे था प्लान था और लगी रास्ते में तगड़ी भूख। फिर हमने वापस गाड़ी घुमाई जोधपुर की तरफ, मतलब रास्ते में दिखा रहा था। फिर कितना टाइम हो गया होटल ढूंढ रहे होटल ढूंढ रहे, कुछ होटल ही नहीं मिल रहा था। फिर एक पुलिस वाले भैया ने पकड़ लिया, फिर हमने उनको ही पूछ लिया, बोले कहाँ कितना सामान लेके, मेरा यहाँ भूख लग रही है ज़रा होटल बता दीजिए। तो उन्होंने बोला वो सामने देखो वेज खाना है कि नॉन वेज, मेरा वेज। तो उन्होंने बोला आपके पीछे देखो एकदम मस्त प्योर वेज होटल है, मैं आपको होटल भी दिखा देता हूँ एकदम बढ़िया छोटा सा लेकिन क्या खाना यार, मतलब एकदम फ्रेश बना के दिया और एकदम मस्त ऑथेंटिक फूड बोलते ना राजस्थानी एकदम ऐसा, ये दिखा देता हूँ मेरे को। तो ये देखो गोरू का ढाबा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो ये छोटा सा बनाया है भैया ने इनका है यहाँ पर, ये देखो इतना सा है लेकिन आप इसके ऊपर मत जाइए कि इतना छोटा सा कैसा है, लेकिन एक नंबर खाना टेस्टी है। देखो हम लोगों ने खाना खत्म कर दिया, इतना भूख लग रही थी इसलिए हमने पहले बनाया नहीं। ऐसा मेन्यू है थाली, इनकी राजस्थानी थाली भी बहुत फेमस थी। वो देखो भैया ना जो कि ये देखो ये वो बंदा ये वो है वो। इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया एकदम बहुत बढ़िया टेस्टी खाना था भैया एकदम एवन मजा आ गया। ऐसा खाना हमको जयपुर में भी नहीं मिला, इतने टाइम से जयपुर में खाना ढूंढे तो ऑथेंटिक मजा आ गया। तो अभी बस जाने थोड़ा गाड़ी चला के जाना 400 किलोमीटर थोड़ा अभी सोना जाओ। तो मजा आ गया। देखो जरा चेक कर लो कितना चार्जेस है, कितना पूछो 70 रुपए भाई। तो 70 रुपए दोस्तों ये भी महंगा यार, ये महंगा लगा मेरे को क्योंकि अभी रोड क्या पता है, लेकिन अभी रोड का काम चल रहा है तो आने वाले टाइम में सही हो जाएगा। तो भाई दोस्तों अभी हमने लिया अपना तीसरा ब्रेक, थोड़ा चाय पीने के लिए यार सुबह से निकले जयपुर से। तो एक पहला ब्रेक लिया था हमने अपना वही रास्ते में जब हमने वो नेट के लिए जगह रुकाई थी गाड़ी अपना, फिर वही हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन वीडियो तो अपलोड हुई नहीं थी वहाँ पर, वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई क्योंकि यहाँ नेट ही नहीं चला रास्ते में। फिर दूसरा ब्रेक लिया था भाई अपना लंच के लिए जोधपुर में, पहले प्लान था वही जोधपुर में रुकना, फिर हमने जैसलमेर के लिए सीधा गाड़ी भगा ली। तो अब यहाँ रुक के रास्ते में हवेली
करके एक भाई जगह दिखी है, पूरा ऐसा ही देखो कितना पूरा हवेली टाइप बना हुआ है, पूरा ऐसा है। तो इतना सुबह से निकले हम लोग, चले चाय नाश्ता कर ले यार, थोड़ा नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इतना, मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ और मैं फर्स्ट टाइम इतना किलोमीटर तक गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसलिए मतलब थोड़ा नहीं, और ऐसे भी हम लोग 80-100 किलोमीटर की उस पर ही चल रहे हैं स्पीड पे। चलो लेट हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा जल्दी, तो इसलिए यहाँ से अभी भी 200 किलोमीटर के आसपास बचा है। और जैसलमेर एनर्जेटिक नहीं हूँ बिकॉज मैं कल रात को सोई नहीं, पूरी रात मैं एडिटिंग कर रही थी और फिर भी हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि नेट ही नहीं मिल रहा है, नेट ही नहीं मिल रहा है। अभी देखो जल्दी निकलना था, सुबह सिर्फ 5% रह गया था और ये इसके चक्कर में जल्दी जल्दी क्योंकि मेरा ये था कि जल्दी निकल जाए कि जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन वही टाइम हो गया घूम कर, अभी 8 चक्कर में स्टारबक्स में बैठना पड़ा, वहाँ पे भी टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। वहाँ पर स्टारबक्स वालों का नेट ही नहीं चल रहा था, बोलो। ये देखो ऐसी जगह भाई, उतनी जगह तो अच्छी है बस, लेकिन हम यहाँ चाय पिएंगे और कुछ अगर नाश्ता हल्का फुल्का पकौड़े वकोड़े खाएंगे निकल जाएंगे फिर, क्योंकि लंबा है यार अभी 8 बजे मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगा। चाय नाश्ता करने के बाद फिर से टकराए हम एक और टोल के साथ भाई, और ये हमारा 8वां टोल हो चुका भाई। मतलब पूरे मतलब जयपुर से लेके दिल्ली से लेके, मतलब जयपुर से निकले ना पापा अभी, जयपुर से लेके अभी तक ही मतलब इतने टोल आने थे, मतलब इतना हद है यार, मतलब इतना टोल, मतलब अभी हो भी सकता क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा है यार कि पूछो मत, 350-400 किलोमीटर खनोरी टोल आ गया, खनोरी टोल अभी यहाँ कितने चार्ज है भाई, 70 रुपए। बाप रे बाप, मतलब देखो भाई 70 रुपए, 90 रुपए, 115 रुपए, 65 रुपए, 6-6 रुपए के हिसाब से कट रहा है, मतलब ऐसा पता चलता नहीं है, लेकिन 2000 रुपए खर्चा हो गया इसमें से फास्टैग में से। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं, 200 किलोमीटर आपको घुमाएगी भाई, जैसलमेर घुमाएगी, आज तो नहीं कल घुमाएगी, आज हम जाके वीडियो पे काम करेंगे, एडिट करेंगे भाई। देखो जी बाहर के व्यू, ऐसा कुछ व्यू है जैसलमेर का, अभी जैसलमेर तो नहीं है ये, 180 किलोमीटर अभी भी जैसलमेर। दोस्तों देखो कैसा एरिया आ गया है, पूरा रोड ही रोड है बस, आजू बाजू कुछ नहीं है, हमारे पीछे एक भी गाड़ी नहीं भाई, बस आगे से गाड़ी आ रही है, सिर्फ जैसलमेर जाने वाली तरफ हम लोग ही दिख रहे, बस पूरे जब से हवेली से निकले हम लोग उसके एक भी गाड़ी नहीं आई है पूरे 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस, या तो जिन्होंने पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं, हम लेट हो गए हैं, हम एक्चुअली 2.5 घंटा लेट हो गए, 2.5 हमारा 6-5 का टाइम था। और अभी देखो कितना बता रहा है, 8:39 दिखा रहे हैं, 110 किलोमीटर बराबर अपने इधर 109 दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हैपनिंग लग रहा है, लाइट्स लूट्स आ रही हैं, अभी हम हाईवे पे आ गए हैं, अभी हाईवे चढ़ गए हैं, अभी पीछे भी गाड़ी दिख रही है भाई। हाँ थोड़ा मौसम सा आ गया हमें, वैसे हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया आज, वैसे प्लान तो वही था कि हम पहले जोधपुर घूमेंगे, आज जोधपुर घूम के कल सुबह निकलते थे और सुबह पहुँच के फिर साइट सीन हो जाता था उसका जैसलमेर का, रात को कैंप हो जाता था, बट हमने पूरा दिन खराब कर दिया ट्रैवल की वजह से, ना तो ये जोधपुर हो पाया ना जैसलमेर, पूरा पैसा होटल का भी बर्बाद, आज गलत हो गया, हम लोग ने गलत कर दिया, गलत ट्रिप प्लान हो गया यार। एक्चुअली हमारा प्लान वही था कि हम लोग जोधपुर जाके पूरा जोधपुर 2-3 जो जगह थी वो घूम के अपना नाइट स्टे करके सुबह सुबह 8 बजे वहाँ से निकल जाते थे जोधपुर से, फिर अपना 11-12 बजे तक का हमारा प्लान था कि हम लोग 12 बजे जैसलमेर पहुंच जाए, फिर जो भी साइट सीन थे वो करे, फिर शाम को नाइट स्टे करे वहाँ पर अपना जो भी थे वो कैंपिंग वैम्पिंग, फिर सुबह वो सब करके निकल जाए। लेकिन ये गाय जोधपुर आ रहा था बीच में, तो ही तो मैंने जैसलमेर के लिए तेरे को कल हाँ किया था यार। दोस्तों ये रास्ता तो खत्म होने ही नहीं आ रहा है, ना टाइम कम हो रहा है ना रास्ता कम हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कब से चले ही जा रहे, वो जैसा हो ना देजा बू होता है, देजा बू जैसलमेर 58 किलोमीटर दिखा रहा है अभी भी, तो एक घंटा ही दिखा रहा है, मतलब कब से चले ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब जैसलमेर आ गया यार, ये तो बस खत्म ही नहीं हो रही, देखो कैसा पूरा।
अभी हम आए हैं डेजर्ट ट्यूलिप पैलेस होटल देखने, देखते हैं कितने में है इधर रूम। काफ़ी अच्छा लग रहा है पर पंगा ये है ना, सिर्फ रात रात के लिए इतना पैसा। तो जी यहाँ तो रूम अवेलेबल नहीं है, वैसे ऑनलाइन 5,000 का दिखा रहा था और इनके पास 10,000 का। तो अभी हमें सिटी में ही जाना पड़ेगा, उसको पूछ किधर से बाहर निकलेगा। तो होटल अच्छा था वैसे, बट ये अभी सिटी से 3 किलोमीटर बाहर है। अभी क्या होने वाला है कि हमारे पीछे बाइक वाले लगेंगे लोकल, वो बोलेंगे होटल दिला देते हैं, होटल दिलाते हैं, हमें बोलना कि हमने होटल बुक किया हुआ है। काफ़ी अच्छा था होटल। तो भाई दोस्तों अभी वाला रूम बुक किया हमने, ये पहले अभी आपको रूम का टूर दे रहा हूँ मैं, अभी बाहर से होटल भी बता हुआ है क्योंकि रात हो गई काफ़ी। तो ये फिलहाल रूम ऐसा है कुछ, अभी इसको बाहर से दिखा हुआ जैसा भी दिखेगा पता नहीं, फिर सुबह और अच्छे से दिखा हुआ आपको। अभी हम लोग क्योंकि डिनर करने जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया, भूख लग रही है। किचन भी 10:30 बजे इनका बंद हो जाएगा और अभी बच गए 10, तो आधा घंटा हमारे पास। बाथरूम कुछ ऐसा है इसका भाई, तो चलो बाहर से टूर करवा देता आप लोगों को। तो भाई दोस्तों ये होटल ऐसा कुछ है यहाँ का, इसका इधर का अंदर का होटल है ये, इनका रेस्टोरेंट, होटल का रेस्टोरेंट है ये, अभी 10:30 बजे तक ही ओपन है ये। और इसका कुछ मेन्यू ऐसा,